कीका यानी महाराणा प्रताप। आज की वीडियो उस हिंदू शिरोमणि राजा के ऊपर जिनके बारे में इस देश के बच्चे बच्चे ने सुन रखा है। आज की वीडियो 7.5 फुटे उस मेवाड़ी शेर के ऊपर जिसके हौसलों ने समस्त मुगलिया में अपने नाम का खौफ पैदा कर उन्हें नाक रगड़ने पर मजबूर किया था। तो आइए मेवाड़ के महाराणा के बारे में थोड़ा और जानते हैं। 9 फुटा कुंभा के नाम से बसे कुंभलगढ़ में 9 मई सन 1540 को प्रताप ने जन्म लिया। बचपन में प्यार से सब प्रताप को कीका कहकर बुलाते थे, लेकिन किसे पता था कि पूरे सिसोदिया वंश में ये राणा अकेला ऐसा राणा होगा जो राणाओं का राणा यानी महाराणा कहलाएगा। आप महाराणा प्रताप की ताकत का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि एक लोहे के सिक्के को वो सिर्फ अपनी उंगलियों की मदद से बड़े ही आराम से पिचका दिया करते थे। तो जरा सोचो, अगर अकबर उनके सामने आ जाता तो प्रताप उसे अपने हाथों से ही बीच में से ऐसा फाड़ देते जैसे कोई संतरा फाड़ दिया हो। और सिर्फ इतना ही नहीं, प्रताप का शारीरिक बल इतना ज्यादा था कि वह युद्ध के दौरान 200 किलो से भी भारी कवच कुंडल लेकर लड़ते थे, जिनमें उनके भाले का ही वजन 80 किलो था, जो कि उठाकर फेंकना तो छोड़िए, शायद हमसे हिले बिना। जितना राणा के भाले का वजन था, इतना तो खुद शायद अकबर का पूरा वजन रहा होगा। कैन यू इमेजिन, जब राणा किसी दुश्मन पर भाले से वार करते होंगे तो उसका क्या हश्र होता होगा। फिजिक्स में लॉ ऑफ मोमेंटम, वेयर मोमेंटम इक्वल्स मास इनटू वेलोसिटी, जहां मास डिफाइंड होता है उस भाले के वजन और ग्रेविटेशनल पुल पर यानी गुरुत्वाकर्षण बल पर। भाले का वजन 80 किलो रहा था, यानी उसका मास 80/9.8 यानी करीब 8 किलो उस भाले का मास था, जिसमें 80 भाले का वजन और 9.8 मीटर पर सेकंड पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल होता है। यही ग्रेविटेशनल पुल पोल्स या ध्रुव पर 10 मीटर प्रति सेकंड हो जाता है। और वेलोसिटी को समझे तो ये एक तरह की रफ्तार यानी स्पीड है जिसकी डायरेक्शन निर्धारित होती है। अगर सिंपल शब्दों में समझें तो मोमेंटम को आप ऐसे समझ सकते हैं कि आम तौर पर किसी भाले का वजन 2 से 3 किलो होता था, तो अगर कोई उस 3 किलो के भाले को 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से फेंके तो उस भाले का मोमेंटम 12 के आसपास होगा, जबकि महाराणा अपना 80 किलो वजनी भाला उसी 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से फेंके तो मोमेंटम 12 नहीं बल्कि करीब 326 होगा। कैन यू इमेजिन द ह्यूज डिफरेंस इन द मोमेंटम ऑफ ए नॉर्मल स्फीयर एंड द स्फीयर यूज्ड बाय महाराणा प्रताप। अब जो वो 12 का मोमेंटम जिस भाले का है, वो भाला भी जानलेवा है, तो अब आप इमेजिन कर सकते हैं कि 325 का मोमेंटम जिस भाले का रहा होगा वो क्या तबाही मचा सकता होगा। मतलब जिस बंदे पर राणा का भाला जाकर लगता होगा वो बंदा उठता नहीं, उड़ जाता होगा। उसको ढूंढ के लाना पड़ता होगा कि बंदा उड़कर कहाँ गया, कहीं मेवाड़ से दिल्ली तक की उड़ान तो नहीं भर गया। यही राणा जी की भुजाओं का जोर और यही मोमेंटम कारण था बहलोल खान के किसी चीकू की तरह 2 टुकड़ों में बट जाने का। कौन था बहलोल खान और जंगे मैदान में ऐसी क्या वारदात हुई उसके साथ जो समस्त मुगलिया की चड्डी गीली हो गई। वो एक वार जिसपे 2 धारी तलवार अरी बचा ना सका अपनी जान, फट गया मुगलिया निशान। 7.5 फुटा महाराणा से भी 3 इंच ऊंचा अकबर का विश्वास पात्र 8.5 फुटा सेनापति बहलोल खान, जिसकी हैवानियत का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि एक नवजात शिशु को जमीन पर रगड़ कर मार देना, ये सब उसके लिए आम बात थी। बस शर्त एक है कि वो बच्चा हिंदू होना चाहिए। बहलोल खान शरीर से इतना ज्यादा ताकतवर, मानो उसकी नसें शरीर से बाहर आने को तत्पर हो। उसका शौक महिलाओं का शोषण करना, हिंदू नवजात बच्चे को जमीन पर रगड़कर मार देना और सांड से युद्ध करना। अकबर जब भी कोई युद्ध जीतता तो उस राज्य की बच्चियों और औरतों को अगवा कर आधी बच्चियों और औरतों को खुद रखता और बाकी बची बच्चियों और महिलाओं को बहलोल खान के हवाले कर देता था। जो नारियां बहलोल खान की हैवानियत का शिकार हुई थी, उनके मन में उस क्रूर हैवान बहलोल खान से बदला लेना था। वो जानती थी कि समस्त हिंदुस्तान में अगर इस वक्त कोई है जो उनकी इस कामना को पूरा कर सकता है तो वो सिर्फ महाराणा प्रताप हैं। 18 जून सन 1576, बैटल ऑफ हल्दी घाटी, जब राणा और बहलोल एक दूसरे के आमने सामने आ खड़े हुए,
बहलोल जानता था कि मैं खुद को कितना भी ताकतवर समझ लूं, लेकिन सामने वो राणा खड़ा है, वो मेरा हाल उसी लोहे के सिक्के जैसा कर देगा और मैं बहलोल खान से पिचकेला खान बन जाऊंगा। बहलोल खान ने राणा पर पीछे से वार करना चाहा, लेकिन राणा तो राणा है ना, 80 किलो का भाला, 25-25 किलो की दो तलवारें। राणा ने एक तलवार के वार में बहलोल खान को उसके घोड़े समेत बीच से फाड़ दिया मानो कोई अनानास फाड़ दिया हो। यही तो था राणा जी का मोमेंटम। 25 किलो की तलवार जो ही पड़ी अरी पर, शक्ति के देवता भी करे नमन महाराणा को खड़े गिरी पर। जहां एक सिंह लड़ा 100 सियारों से, वो इतिहास सबको सुनाना है, जिनके सर कटे और धड़ दुश्मन से लड़े, वही तो राजपुताना है। हल्दी घाटी का युद्ध मेवाड़ के महाराणा और अकबर के बीच लड़ा गया, जहां महाराणा की फौज की कमान संभाली थी हकीम खान सूरी ने, वहीं अकबर की सेना का नेतृत्व राजा मानसिंह ने किया था। और जरा युद्ध की नाइंसाफी देखिए, इस युद्ध में अकबर की सेना में 80,000 पैदल सिपाही और अनेक घुड़सवार और हाथी थे। मोटे रूप से अकबर की सेना 1,00,000 की थी, वहीं महाराणा की सेना में 3,000 सिपाही और 400 आदिवासी भील धुरंधर थे, जिनकी कमान राणा पुंजा जी ने संभाली थी। यानी राणा की सेना में लगभग 3,500 सिपाही थे, कहां लाख और कहां मात्र हजार। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि मेवाड़ी योद्धाओं ने मुगलिया ताकत को नाको चने चबवा दिए थे। मात्र 1,000 योद्धाओं ने वो करके दिखाया जिसका सदियों से इंतजार था। हल्दी घाटी का युद्ध जीतकर महाराणा प्रताप ने अकबर को ये दिखा दिया कि हिंदुस्तानी मेवाड़ी शेरों का सर कट जाता है लेकिन झुकता नहीं। इस युद्ध में भील योद्धाओं का एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल रहा था। यही वो 400 भील थे जिन्होंने गोरिल्ला वॉरफेयर टेक्निक से इतनी विशाल सेना को छलनी कर दिया था। भील वॉरियर्स वर लाइक निंजास, कहाँ से तीर आकर कहाँ घुसेगी किसी को पता नहीं चलता था। ये युद्ध सिर्फ राजपूतों या मेवाड़ियों का नहीं था, और ना ही इस युद्ध में किसी एक कम्युनिटी ने लड़ाई की थी। ये युद्ध एक निर्णायक युद्ध था जिससे ये सिद्ध हुआ था कि हिंदू का सूरज अभी डूबा नहीं है, और इस युद्ध में हर हिंदू, हर ट्रू हिंदू अपनी आखिरी सांस तक लड़ा था ताकि हमें एक सेफ और सिक्योर एनवायरनमेंट मिले। वो शहीद हुए ताकि हम आज शांति से रह सकें और अपने देश, धर्म और कर्तव्य को कभी ना भूलें। उन्होंने ये साबित किया कि चाहे दुश्मन कितना भी बड़ा हो, अगर आप हिम्मत दिखाएंगे तो आपसे बड़ा कोई नहीं। लोहार जाति के कारीगरों ने मेवाड़ी सेना के लिए दिन रात मेहनत करके तीर, तलवार और भाले बनाए। हर समुदाय ने मेहनत कर अपने देश का गौरव बचाने का प्रयास किया, और अगर आदिवासी भील ना होते तो शायद मेरे राणा महाराणा ना होते, और अगर महाराणा ना होते तो मेवाड़ ना होता, मेवाड़ ना होता तो हल्दी घाटी ना होती, और हल्दी घाटी ना होती तो ये शूरवीर ना होते। जलती रही जौहर में नारियां, भेड़िए फिर भी मौन थे, हमें पढ़ाया अकबर महान, तो फिर महाराणा कौन थे। क्या वो नहीं महान जो बड़ी बड़ी सेनाओं पर चढ़ जाता था, या फिर वो महान जो सपने में प्रताप को देख डर जाता था। रणभूमि में जिनके हौसले दुश्मनों पर भारी पड़ते थे, ये वो भूमि है जहां नरमुंड घंटों तक लड़ते थे। रानियों का सुंदर है सुन वो वैशी, कई बार यहां आए, धन्य थी वो शत्राणियां जिनकी अस्थियां तक छू ना पाए। अपने सिंहों को वो सिहानियां फौलाद बना देती थी, जरूरत जब पड़ती काट कर शीश थाल सजा देती थी। पराजय जिनको कभी सपने में भी स्वीकार नहीं थी, अपने प्राणों का मोह करे वो पीढ़ी इतनी गद्दार नहीं थी। वो दुश्मनों को पकड़कर निचोड़ दिया करते थे, पर उनकी बेगमों को भी माँ कहकर छोड़ दिया करते थे। तो सुनो यारो, ऐसे वैशी दरिंदों का जाप मत करो, वीर सपूतों को बदनाम करने का ये पाप अब मत करो। कुछ लोगों का कहना है कि राणा इस युद्ध से भाग गए थे, तो उनके लिए मेरा एक जवाब कि राणा अगर भागते तो पूरा मेवाड़ अकबर के अधीन आ जाता। लेकिन क्या ऐसा हुआ? बिल्कुल भी नहीं। आप जरा खुद सोचो, अगर राणा इतने कमजोर होते तो 1582 में दिवेर का युद्ध वो भला कैसे जीतते? कैसे सिर्फ 10,000 योद्धाओं ने 36,000 मुगलों को कैद किया था? अगर आपने हमारी बैटल ऑफ दिवेर वाली वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो वीडियो की एंड में जरूर देखना, लिंक ऊपर आई बटन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है।
कैसे दिवेर के युद्ध में जब महाराणा प्रताप के बेटे राणा अमर सिंह ने भाले से दुश्मन पर ऐसा वार किया था कि वो दुश्मन घोड़े समेत धरती में धस गया था और अकबर की सेना ने पूरा दम लगा दिया लेकिन किसी से वो भाला निकला नहीं था, तभी महाराणा प्रताप के इशारे पर राणा अमर सिंह ने एक झटके में उस भाले को बाहर निकाल दिया था। अब बात आती है कि युद्ध कौन जीता था, महाराणा जीते कि अकबर हारा। अब आप सोचेंगे कि ये दोनों एक ही तो बात है। जी बिल्कुल, महाराणा जीते कि अकबर हारा। आप इनमें से कोई भी ऑप्शन चूज कर सकते हैं, दोनों एकदम सही है। एक सिंपल सी बात है, अगर राणा जी ये युद्ध हारते तो मेवाड़ मुगलिया में तब्दील हो जाता और दीवानी अकबर की चलती, सिक्का अकबर का चलता। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हल्दी घाटी के युद्ध के बाद भी दीवानी एक लिंगनाथ की थी और सिक्का महाराणा प्रताप के नाम का चलता था और हल्दी घाटी के चारों ओर जो भी गांव थे उनके लैंड राइट्स कॉपर प्लेट्स पर इंस्क्राइब्ड थे। इस युद्ध में हारे हुए मुगल जैसे तैसे अपनी जान बचाकर मेवाड़ी घाटी में कहीं दुबक कर बैठ गए। उनके पास ना खाने को खाना था और ना पीने को पानी, इसलिए उन्हें अपना पेट भरने के लिए अपने ही घोड़े मारने पड़े थे। और जिस भी मुगल ने हल्दी घाटी से भागने की कोशिश की थी, भीलों ने उन्हें अपनी तीरों का शिकार बनाया था। ऐसा लगता था कि महाराणा 100 जगह एक साथ थे, वो गुप्त रास्तों से निकलते और अदम्य युद्ध करते हैं। इस युद्ध के बाद महाराणा प्रताप के जीवन में भामाशाह जी का कभी ना भुलाए जाने वाला योगदान रहा है, जिनके बारे में मैंने बैटल ऑफ दिवेर में बात की है। इतिहासकार लिखते हैं कि हल्दी घाटी के युद्ध के बाद अकबर ने मेवाड़ पर 5 बार हमले किए थे और ये एक करारा जवाब होगा उन लोगों के लिए जो ये कहते हैं कि युद्ध अकबर ने जीता था। तो अगर युद्ध अकबर जीता था तो उसके जीतने के बाद उसने 5 बार हमले क्यों किए? जिसका जिस टेरिटरी पर कब्जा होगा भला वो अपने ऊपर ही हमला क्यों करेगा? आपको ये जानकर अच्छा लगेगा कि ना ही सिर्फ हल्दी घाटी का युद्ध बल्कि उसके बाद हर वो युद्ध महाराणा जीते जब तक उनकी आखिरी सांस रही। अरे महाराणा तो वो व्यक्तित्व थे जिन्होंने राजा मानसिंह को भी अपने महल में आने पर उनका सम्मान किया था, चाहे मानसिंह दुश्मन के साथ ही क्यों ना मिल गया हो। हाँ वो बात अलग है कि जब खाना खाते वक्त मानसिंह ने उन्हें भी अपने साथ खाने को बोला तो वो नहीं माने। उनका कहना था कि मानसिंह तुम मेरे दर पर आए हो और मेहमान बनकर आए हो, इसलिए मैं तुम्हारा आदर सत्कार करने को बाध्य हूँ। अगर मैं तुम्हारे साथ एक थाल में खाना खा लूँगा तो मैं भी तुम जैसा नीच हो जाऊँगा, क्योंकि जो अपनों का साथ छोड़कर दुश्मन का साथ दे उसे नीच नहीं तो और क्या बोलेंगे। जब युद्ध में राजा मानसिंह महाराणा प्रताप के सामने आए तब वो उनका वैराग्य देख दंग रह गए। कैसे जब हाथी पर बैठे मानसिंह दुबक गया और जब महाराणा ने एक भाले के वार में महावत समेत लोहे की बनी वो गद्दी चीरी डाली थी, कैसे बहलोल खान को फाड़ा, कैसे महावतों को चीरा, वो राणा सच में महान था। लेकिन दुख होता है ये सुनकर जब कुछ अपने ही कहते हैं कि वो भगोड़ा था। मत कहो उन वीरों को तुम भगोड़ा है पापी, यही तो वो वीर सपूत है जिनकी थी लोहे की छाती, वरना आज वो दम कहाँ कि हमें पता हो कि सामने लाख हैं और हम मात्र 1000, फिर भी लड़ जाएं, इतनी कुबत हम में कहाँ। जब तक ये साजे हैं दिल में वो प्रताप रहेगा जो शहीद हुए राणा और वतन के खातिर उन भीलों का सदा गुणगान रहेगा। वही तो थे अदम्य, अविजित, आजीवन स्वतंत्र, द अनटेम्ड, अनडिफीटेड, फॉरएवर इंडिपेंडेंट। वचन के खातिर जान लुटा दी, धर्म के खातिर शीश कटे, मातृभूमि की रक्षा को जो बिना शीश रण खेत लड़े, कि इतिहास में चर्चे हैं हमारी लिखी गौरव गाथा के, धर्मशास्त्र कहते हैं ये क्षत्रिय दूत विधाता के, कि राणा सांगा से वीर हमी, उस कुंभा की तस्वीर हमी, हमने ही है धर्म बचाया वो हटी चौहान हमीर हमी, कि मार दिया जिसने गोरी को वो पृथ्वीराज खिलाड़ी है, नहीं झुका अकबर के आगे हम राणा वो मेवाड़ी हैं, कि वचन के खातिर प्राण त्यागे वो बापूजी राठौर है हम, देश धर्म की ठौर है हम वो दुर्गादास राठौर है हम, कि गोरा बादल अलबेले हैं हम ही गोरक्षा के चेले हैं, आला उदल से वीर हम ही हमने ही दुश्मन धकेले हैं, कि विक्रम संवत लिखने वाले वो वीर विक्रमादित्य हैं हम, मिहिर बोध से महाबली इस भारत का इतिहास है हम, कि इन गौरववंती इतिहासों के असली वारिसदार हैं हम, त्याग और बलिदान है इतने की इज्जत के हकदार हैं हम, इतिहास चुराए नहीं है हमने, हमने इतिहास बनाए हैं, लाखों शीश कटे हैं रण में तब क्षत्रिय कहलाए हैं।
क्षत्रिय कहलाए हैं।